फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मैं, अंकल और बाकी सब सन सिटी रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन का और साथ में ही अपने प्यारे किको का वेट कर रहे थे। ट्रेन तो आकर रुक जाती है और इधर जासूस अंकल भी आ जाते हैं और उन्हें किसी से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी एक बड़ा सा लंबा सा आदमी वहां से निकलता है और ट्रेन में फॉर्म लगा देता है। इधर किको अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत ही तेज स्पीड में भाग रहा था कि तभी उसकी R7 की डेंजर लाइट भी ब्लिंक करने लगती है और पास ही की एक बिल्डिंग पर एक आदमी लटका हुआ था जिसे किको गिरने से बचा लेता है। और अब अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए उसे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। इधर ट्रेन को वही आदमी ले जाता है जिसने ट्रेन में फॉर्म लगाया था और ड्राइवर तो पास में ही खड़ा रह जाता है। किको सुपर स्पीडो से ट्रेन को अगले स्टेशन पर पकड़ने के लिए कहता है ताकि वह सभी को सरप्राइज कर सके। लेकिन अगले स्टेशन पर किको ट्रेन से पहले पहुंच जाता है, लेकिन ट्रेन स्टेशन पर रुकती ही नहीं है और किको ट्रेन का पीछा करते हुए ट्रेन में घुस जाता है। ट्रेन ड्राइवर रॉबर्ट अनाउंस करता है कि मैंने ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया है और सन सिटी गवर्नमेंट को मैसेज भेज दिया है फिरौती की रकम देने के लिए, और ये भी बताता है कि ट्रेन में बॉम्ब लगा हुआ है, अगर किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो सब खत्म हो जाएगा। फिर किको लग जाता है ट्रेन की सभी बोगीज को चेक करने में कि बॉम्ब कहाँ लगा हुआ है, और जिन बोगीज में बॉम्ब नहीं था वह एक एक करके उन बोगीज को अलग करता जाता है। फिर किको सुपर स्पीडो से कहता है कि एक एक बोगी को अलग करने में काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वह खुद ही ट्रेन के नीचे से बॉम्ब के पास जाने लगता है। इधर अपना सुपर स्पीडो ट्रेन को बाकी ट्रेनों से टकराने से बचाता है। फिर रॉबर्ट और किको का आमना सामना होता है और रॉबर्ट बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और जासूस अंकल रॉबर्ट को तो अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वह ट्रेन को बॉम्ब से बचाने का आइडिया सोचने लगते हैं। और फाइनली थोड़े आगे जाकर किको ट्रेन से इंजन को ही अलग कर देता है और बाकी बोगीज को वहीं रोक देता है और सभी सेफ रहते हैं। इस तरीके से किको सबकी जान बचाता है और सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।